काफी खतरनाक वाली रोस्ट वीडियो बना दी थी और वहाँ पे रजत दलाल ने ये बोला था कि तूने किससे पूछ के मेरे ऊपर रोस्ट वीडियो निकाल लिया। रजत दलाल ने अभी कैरी मिनाडी के स्पोर्ट में एक वीडियो बनाई है। आपको पता होगा एजाज खान ने सॉरी बुलवाया था कैरी मिनाडी से, तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप देख लो। एजाज भाई साहब ने कैरी मिनाडी से सॉरी बुलवाई है आमने सामने। मेरे साथ भी एक सीन हुआ था पिछले 10 साल से, किसी की हिम्मत नहीं हुई है कैरी को कुछ उल्टा बोलने की या ये जो चीजें हुई हैं वो करवाने की। रिसेंटली उसने मेरे ऊपर एक रोस्ट बनाया बिना मेरी परमिशन के, जो मेरे को पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पे उसने वीडियो डाली थी जिसका रिप्लाई मैंने सोशल मीडिया पे ही दिया और रिक्वेस्ट ही करी कि भाई इसको हटा दो, जिस बात का कैरी ने मान रखा सम्मान रखा और वीडियो हटा दी। कैरी मेरे छोटे भाई की तरह है, मेरे घर से 10 मिनट दूर रहता है। अगर आमने सामने चीजें करनी होती और मैं भी कर सकता था, पर ये चीजें शोभा नहीं देती। जहां पे चीज शुरू हुई है वहीं पे खत्म होनी चाहिए, तो वो वहां पे खत्म हो गई। आपने कैरी के बारे में, अब देखो पास्ट में जो चीज डाल दी वो तो ना आप बदल सकते ना हम बदल सकते। आज के बाद कभी उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा उम्मीद करूंगा आप ना ही बोलो। और दूसरी चीज, जो आप ये चीज कर रहे हो कि मुंबई आना पड़ेगा करियर के लिए, तो भाई देखो 4 बार आए या हम 40 बार आए, आप हो या कोई हो हमारा एक बाल नहीं उखाड़ सकता। भाई तो भाई रजत लाल भी बड़ी कुत्ती चीज है, पहले कैरी मिनाडी से वीडियो डिलीट करवाता है फिर बाद में उसी को ही सपोर्ट करता है। जो नेक्स्ट बिट आ रही है वो आ रही है राजवीर फिटनेस की साइड से। राजवीर फिटनेस का एजाज खान को वापस से रोस्ट कर दिया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप देख लो। एक लेडीज हूँ। हाँ हमें पता है तू लेडीज है, ये मुंह से बताने की जरूरत नहीं है, तेरी शक्ल से पता लग जाता तू लेडीज है। लेकिन जब तू लेडीज है तो ये मुंह पे नकली दाढ़ी लगा के ना मर्दों वाली एक्टिंग क्यों करती है? मुझे भी दर्द होता है। दर्द होता है जब सब होगी जगह जगह जाके, तो दर्द के हमें होगा तुम्हें ही होगा। और भाई ये लेडीज कह रही कि इसने जेल में रूल करा है 3,500 केक से बड़ा केक बंद रहते उधर 26 महीना रूल कर गया। तो आप हमें बताओ जरा कैसे रूल करा तुमने? तो जेल में क्रिमिनल होगी भाई, इस तरह से रूल करा तुमने, अब आ गया मेरी समझ में। और तुम इलेक्शन पता क्यों हारी? तुमने इलेक्शन के पोस्टर पे लिखवा दिया मैं नेता नहीं बेटा बनूंगा। यहाँ आपको लिखवाना था नेता नहीं जुगाड़ बनूंगी, घर घर जाके सबको दूंगी, पूर्ण मोहब्बत से जीतते। जो नेक्स्ट बेटा आ रही है वो आ रही है Adnan07 की साइड से। आपको पता होगा Adnan07 की ने बिग बॉस में गाइस वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है। जैसे ही ना उनकी बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है और वहाँ पे आके ये बोलते हैं कि मेरी ना लव कटारे के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती क्योंकि उसका और मेरा कोई पुराना हिसाब रहता है। इसी से रिलेटेड ने दीपक लाल ने गाइस एक स्पोर्ट वीडियो बनाई है लव कटारिया के, तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप देख लो। बिना दाढ़ी मूछ वाले नेपाली के बच्चे अदनान के बोल रहा है तू लव कटारिया के बारे में? सुन, अगर लव कटारिया के बारे में कुछ बोलोगे ना मैं तो जुगत्ते पिटूंगा अदनान। और सुन, पीट पीट के मैं तो बनाऊंगा गार्लिक नान। तू बड्डो बंदरो ना, रुक जा थम जा, मैं आ रो तो बिग बॉस में निकल। जो नेक्स्ट बेटा आ रही है वो आ रही है एलवी यादव की साइड से। एलवी यादव ने ये बताया कि जब मैं बिग बॉस में था ना, तब अगर Adnan07 बिग बॉस में आता ना तो तब से ही मजा आता था, तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप भी देख लो। भाई अब होता ना मैं बिग बॉस के अंदर और वो अदनान होता मेरे सामने, मजा आया था। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसको हार्म पहुंचाता, मैं कह रहा हूं कि मजा आता है, जिनकी वाइब बनती की जो करता ना। एक और भाई से पूछा आज, आप वो मिली भाई अदनान शेख को जानते हो आप? किसको? अदनान जिसने भी वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है। हाँ भाई जानते हैं। वो कह रहा कि कटारिया उसका सबसे बड़ा राइवल है और कटारिया को भाई कहने लग रहा कि मैनेजर है, एलविस का मैनेजर है। भाई मुझे एक बात बताना, अब जैसे सपोज एक फैमिली में एक जना काम कर रहा है दूसरा जना उसका काम देख रहा है, तो क्या वो ये हो गई कि भाई तुम्हारा मैनेजर है? एलविश यादव है वो ना Adnan07 के ऊपर हंसते हुए दिखे, क्योंकि Adnan जो है ना वो ना अंदर बाहर की बातें करना स्टार्ट हो गए थे और इसी के रिलेटेड बिग बॉस वालों ने ये कहा कि अगर आप अंदर और बाहर की बातें करोगे ना तो आपको ना बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसी चीज के अपना एलविश यादव उनके ऊपर बोलता हंसते हुए दिखे, उन्होंने ये कहा कि आते साथ ही बेस्ती स्टार्ट। तो सबसे पहले आप चौथी क्लिप भी देख लो। भाई अदनान भाई रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, मतलब बनाने वाले हैं, पता नहीं सबसे कम घर में रहने वाले, पहले दिन ही निकाल दो इसे। एंट्री हुई, एंट्री के उसके बाद सबको न्यूज व्यूज बताने लग गया, तो भाई बिग बॉस भी सही चीज अखबार भेज दिया, कह रहा फिर अखबार आ जाएगा तेरी जगह, तेरी का जरूरत है इधर। गड़ी हवा बीबीसी ये देखना है। सॉरी बिग बॉस 4 बार सॉरी बुलवा दी इससे।
एंड भी शायद ये भी कहते हैं कि अदनान 07 को ना बिग बॉस से नहीं निकालना चाहिए, अगर इसको निकाल दिया तो हम बेइज्जती किसकी करेंगे, मजाक किसका उड़ाएंगे। जो नेक्स्ट डेट आ रही है वो आ रही है कैरी मिनाटी की साइड से। आपको पता होगा इस रिसेंटली कैरी मिनाटी और गाइस पूर्व जाने एक पोस्ट किया था और काफी बंदे ये बोल रहे थे कि इन दोनों की ना कोई तगड़ी वाली पैरोडी वीडियो आने वाली है। कैरी मिनाटी के इंस्टाग्राम से गाइस एक ट्रेलर आउट हुआ है जहां पे गाइस पूर्व जो और कैरी मिनाटी दोनों कोलैब करके डोली चाय वाले के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। पांच बार और ट्राई करूंगा ना तो हो जाएगा। One chai, please. एक सेकेंड सर। अरमान मलिक और लव कटारिया के ऊपर काफी ज्यादा एंग्री दिखे। ये दोनों बंदे ना बिग बॉस में गाइस थाराबाई जोगिंदर के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। तो सबसे पहले आप थाराबाई जोगिंदर की क्लिप भी देख लो। ये लव कटारिया और अरमान मलिक, तुम दोनों ना अपनी औकात में रह करो कि तुम्हारी औकात क्या है। क्या बोल रहा था अरमान तू कि जोगिंदर अकड़ में रहता है, ऐसी ऐसी वीडियो बनाता है। अबे तूने देखा तू कैसी वीडियो बनाता है, हैं? तू खुद ऐसी वीडियो बनाता है और तू नेशनल टेलीविजन पर जाके जोगिंदर के बारे में गलत बोल रहा है। भगवान से ये दुआ करना कि आमना सामना ना जाए तुम दोनों का मेरे से। जिस दिन हो गया ना उस दिन तुम दोनों की औकात बताऊंगा कि तुम दोनों क्या हो। अबे झाट वो अपना गेम खेल लो अंदर, वरना जब तुम बाहर निकलोगे ना बिग बॉस से ये कहोगे कि जोगिंदर ने क्या कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो आ रही है जानू स्टैंड की साइड से। जानू स्टैंड ने बताया कि मेरे को ना यार बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया और इसलिए ना मेरे व्लॉग्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे। बस मैं जैसे मेरी इन्फेक्शन ठीक हो जाए तो वैसे मेरे व्लॉग आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप जॉर्जी की क्लिप ही देख लो। सो गाइस बहुत बंदे पूछ रहे हैं यार इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तो यार ये देख सकते हो भाई मुझे ना पूरी स्किन में भाई स्किन इन्फेक्शन हो गई थी, तो इस वजह से यार मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। पर कोशिश करूंगा दो तीन दिन में भाई व्लॉग आ जाए। बट यार हालत देखो यार पूरे ये पूरी स्किन में ना भाई ऐसी इन्फेक्शन हो गई भाई। और आपको पता होगा मैंने आपको कल की वीडियो में ये बताया था कि यहाँ पे जॉनू स्टैंड को किसने लव बाइट किया हुआ है और वो चीज ना इसमें शर्म ने मेरे को बताई थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मच्छर खाए हुए हैं, ये बोल रहा था कि लव बाइट की हुई है, इसका बूथ थोड़ा जहाँ पे मिलता है आपको। नेक्स्ट वीडियो आ रही है अंकित बयान पूरिया की साइड से। अंकित बयान पूरिया के इंस्टाग्राम से एक स्टोरी आउट हुई है जिसमें उन्होंने यह कहा कि मेरे पास ना बंदे आते और वो कहते हैं हमारे पास ना पैसा नहीं है और हमारी ना मम्मा और पापा जो है वो बीमार पड़े हैं हॉस्पिटल में, तो हमें ना थोड़े बहुत पैसे दे दो। और अंकित बयान पूरिया ये भी कहते हैं जब मैं उनका ना फोन इंक्वायरी लेता हूँ और जब पीछे बैकअप का इंक्वायरी लेता हूँ तो कोई भी उनके मम्मी पापा बीमार नहीं होते, वो खाली जुए में पैसे हार जाते तो मेरे साथ मांगने के लिए आते हैं। लेकिन मैं उनको एक चीज बोलना चाहता हूँ। क्या बोलना चाहता हूँ आप उनके मुंह से ही सुन लो। राम राम भाई सारा ने। तो भाई मैं ना मतलब पिछले कुछ टाइम तक हमारे दो ढाई महीने थे एक चीज़ देख ला रहा हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं दौरा मतलब बहुत सारे आवा मिलन भाई एक भाई या प्रॉब्लम मेरी माँ का ऑपरेशन होना है, मेरे पिताजी का ऑपरेशन होना है। हालांकि जब क्रॉस चेक कराया जाए ऐसा कुछ होता नहीं है, फिर उनके फोन चेक हुए है और जब ढंग तक पूछी जावे है आराम तक प्यार था तो वे बता दें कि भाई नुनू मैंने जुआ खेल लिया था फिर पूरे कण के चक्रा में हारता चला गया, अरे भी कर्जा ज्यादा हो गया है तो समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं। तो भाई पहली बात तो यह है जो आज की जनरेशन है ना भाई अमीर सब न होना है पर बिना मेहनत करे। सब नू लगा है कि बहुत इजी है मनी कमाना पीछे कमाना, कोई भी ऐड कर देगा नहीं कि भाई यो यो गेम खेल लो यो नू कर लो इसमें इतने गुणा रोज के थमने इतने मिल जाएंगे। तो भाई उन तो वो बात कह नहीं कर रहे पी एम एल ना करे हैं प्रथम ने यो सब करने के रुपये देने पड़ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आ रही है राजा डीसी की साइड से। आपको पता होगा राजा डीसी के वीडियो में ना भीतरी बॉस नहीं आ रहे, इसी चीज का उन्होंने रीजन बताया। तो सबसे पहले आप छोटी क्लिप भी देख लो। जितने भी सारे दोस्त बड़े दिनों से भाई भीतरी बॉस भी व्लॉग में नहीं आ रहे हैं तो मैंने आपको बोला होगा कि वो भी अपने काम के मतलब काम के रिलेटेड घर पे गया हुआ है, क्योंकि भाई देखो मैं और इस व्लॉग वगैरह बनाते तो भाई आपको पता है वो व्लॉग वगैरह भी नहीं बनाता है और भी उसको बहुत सारे काम होते तो अभी वो बहुत ज्यादा बिजी है, इसलिए भाई वो घर पे रह रहा है। ये नहीं होता कि भाई सब खत्म हो जाता, पारुल भी भाई व्लॉग में नहीं आ रही, इसका मतलब ये भी नहीं है। नेक्स्ट वेट आ रही है वो ये राजा डीसी की साइड से। आपको पता होगा राजा डीसी ने अपनी हर बाइक के शीशे उतार देते हैं, तो इसी तरह उन्होंने बताया कि मैंने अपनी ZX10R के शीशे उतारे ना तो अब सारे बंदे मेरी कॉपी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। XR को काफी
टेनआर को शीशे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने एक चीज नोटिस किया, जब से मैंने टेनआर को शीशे उतारे हैं बहुत सारे बंदों ने कॉपी की है, एक नहीं गाइस 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने बंदों ने कॉपी की है ना, मैं नाम भी क्या बताऊं। पहले ना किसी ने भी अपने टेनआर के आज तक शीशे उतारे थे, जब से भाई मैंने अपने टेनआर के शीशे उतारे, मतलब मैंने तो उतार के ही ली थी, इतने बंदों ने कॉपी की ना अपने, क्या ही बोलूं अब, छोड़ो फिर अगर मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। तो इस बारे में तेरा क्या कहना है? मेरा यही कहना है, ये बंदा पीछे बैठ गया उन लोगों के पीछे, उन्होंने अगर शीशे उतारता उनकी मर्जी है ना, उन्होंने उतारे, उन्होंने पैसे खर्चे ना, तेरे को क्या दिक्कत हो रही है, तेरे को क्या परेशानी हो रही है। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो भी राजा डीसी की साइड से होने वाली है। राजा डीसी ने साइड से आमिर भाई को पोक किया, तो सबसे पहले आप छोटी क्लिप भी देख लो। उन बंदों को भी बोलो जिन्होंने सुपर बाइक ली हुई है बट चलाते बच्चों की तरह है। हमारे जम्मू में बड़े हैं, पहले सीख के आ जाओ, मैं सही बोलूंगा। पहले बड़ी बातें करते थे सुपर बाइक वाले भाई, राजा राजा ही होता है। नहीं नहीं राजा को छोड़ो, ऐसे तो अपने बड़े भाई हैं जम्मू जो अच्छी भी चलाते हैं कुछ। हाँ, है जिन्होंने सुपर बाइक लेके रखी हुई है, उसके बाद पंगे करते थे हमारे साथ चलानी। अगर सुपर बाइक लिया तो फिर सुपर बाइक की तरह चलाया करो, ठीक है, वहां फिर मेरी रेस बाइक सब पंगे नहीं लिया करो, ड्यू ड्यू बजेगा ना, जब फ्लाई बाय कान के पास निकलेगी बाइक है रेस, वो बाद में आके भाई क्या हाल है, ठीक हो हरीश भाई, ठीक हो। जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है आयरा माजिद की साइड से। गाइस मुझे लगता है आयरा माजिद के बारे में ना कोई कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, तो इसी तरह गाइस उन्होंने कुछ रिएक्ट किया और उन्होंने ये बताया कि अगर आपके बारे में कोई कुछ बोलता है ना तो आपको ना छोटी छोटी बात पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो ना। मैं रेगुलर व्लॉग तो कर रही हूं, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चल रही हूं मैं, एंड मैंने ये चीज रियलाइज की कि अगर लोग आपके बारे में कुछ बोलते हैं तो आपको हर छोटी छोटी चीज पे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, अपनी लाइफ में रहो भाई, जो आपका पार्टनर है अच्छे से रहो। एंड 100 बंदे लोग बोलते हैं तोड़ाने के लिए, बहुत लोग कुछ भी बोलते हैं, तो आपको छोटी छोटी बातों पे किसी पे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। किसके ही मुंह से आ रहा मस्जिद के ऊपर बोलने की, वीडियो डिलीट मांगता है 19 तारीख से पहले पहले, आज 16 लिख के ले लो टाइम, 19 तारीख से पहले पहले आयरा मस्जिद के ऊपर जिसने भी वीडियो बनाई है डिलीट, 19 जुलाई तक मेरे को वीडियो डिलीट चाहिए जिसने भी बनाई है, अगर किसी ने ना डिलीट की तो मैंने बूथ तोड़ देना है घर में आके। तो नेक्स्ट वीडियो आ रही है पुलिस ने एग्जॉस्ट लगा दिया है, सबसे पहले आप उनकी आवाज ही सुन लो। नेक्स्ट बेट आ रही है वो आ रही है अरमान राइडर की साइड से। आपको पता होगा अरमान राइडर और आमिर भाई ने काफी खतरनाक वाली कंट्रोवर्सी हुई थी। अभी अरमान राइडर ने ये बताया कि मैंने वीडियो बनाना इसलिए बंद किया है क्योंकि मैंने ना तेरे साथ ना मैंने पहले काफी टाइम से टाइम स्पेंड किया था, तो इसलिए मैंने तेरे को माफ कर दिया है। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप भी देख लो। जो इंसान मतलब किसी का सगा नहीं है तो मेरा कहाँ से सगा होगा, बाकी मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इतना ही बोलूंगा कि यार तेरे को बस ऐसे ही छोड़ दिया, किस बात पे छोड़ा के तेरे साथ काफी टाइम बिताया था, ये नहीं सोचना कि अरमान डर गया या किसी डर की वजह से या तू जो धमकियां वगैरह दिला रहा था उनसे नहीं डरा मैं, बस ये था कि मेरी सेहत भी खराब हो गई थी और मेरी बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन थी। ये बंदा भी कोई शुगर नहीं करता, इतना ज्यादा एक्सपोज कर दिया और अब एक्सपोज करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो लास्ट में ये बोल रहे कि मैंने छोड़ दिया, प्रभा इतना तो तूने इसकी जान निकाल दी है, वो बेचारे का तूने 20 किलो खून सिखा दिया, अब खून बनाने के लिए मुंबई गया हुआ है। आज की अपडेट यहीं तक थी, वीडियो देखते थे यहाँ तक पहुंची हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। भाई हम मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग सी अपडेट के साथ, तब तक के लिए ये तो पूछने दे आप किसके फैन हो, बाकी गाइस आप ये कमेंट करके जरूर बताना कि आप किसके फैन हो। सो आज मैं बता दूं मैं बिजी जा रही हूं, मैं बिजी जा रही हूं, दिल से प्यार आए बॉय आए। इस बेशरम को पता था कि सट्टे पड़ने वाली है इसलिए इसने पहले ही पॉइंट दूसरा बोल लिया, लेकिन मैं भी बड़ी कुत्ती चीज हूं, सट्टे दे के ही रहता हूं।